इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय तीन। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय तीन। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं: जेठा अमनोन जो इज़रेली अहीनोअम से, दूसरा दानियल जो कर्मेली अबिगेल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तलमई की बेटी माका का पुत्र था, चौथा ओदा नियाह जो हरगित का पुत्र था, पांचवा शपत्याह जो अबितल से, और छठवा इत्राम जो उसकी स्त्री एगला से उत्पन्न हुआ। दाऊद से हेब्रोन में छह पुत्र उत्पन्न हुए और वहां उसने 7.5 वर्ष राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष राज्य किया। और यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात शिमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अम्मीएल की बेटी बतशु से उत्पन्न हुए। और इभार, एलिशामा, एलिपेलेत, नेगाह, नेपेग, यापी, एलिशामा, एल्यादा और एलिपेलेत, ये 9 पुत्र थे। ये सब दाऊद के पुत्र थे और इनको छोड़ रखेलियों के भी पुत्र थे, और इनकी बहन तामार थी। फिर सुलेमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम का अबियाह, अबियाह का आसा, आसा का यहोशापात, यहोशापात का योराम, योराम का अहज्याह, अहज्याह का योआश, योआश का अमस्याह, अमस्याह का अजरियाह, अजरियाह का योताम, योताम का आहाज, आहाज का हिजकियाह, हिजकियाह का मनश्शे, मनश्शे का आमोन, और आमोन का योशियाह पुत्र हुआ। और योशियाह के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा यहोयाकीम, तीसरा सिदकियाह, चौथा शल्लूम, और यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह, इसका पुत्र सिदकियाह, और यकोन्याह का पुत्र असिर, उसका पुत्र शातलियल, और मलकीराम, पदायाह, शेंसर, यकम्याह, होशामा और नदब्याह, और पदायाह के पुत्र जरूबाबेल और शिमी हुए, और जरूबाबेल के पुत्र मशुल्लाम और हनन्याह, जिनकी बहन शलोमित थी, और हशुबा, ओहेल, बेरेक्याह, असद्याह और युष्मेसेदेक 5, और हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह, और रपायाह के पुत्र अरनान के पुत्र ओबद्याह के पुत्र और शकन्याह के पुत्र, और तकन्याह का पुत्र शमायाह, और शमायाह के पुत्र हत्तुश और इगाल, बारीह, नरियाह और शपात 6, और नायाह के पुत्र एल्योएने, हिचकियाह और अजरिकाम 3, और एल्योएने के पुत्र होदब्याह, एल्याशिब, पलायाह, अककूब, योहानन, दलायाह और अनानी 7,